गाइज वेलकम टू घमासान, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फेमस एडवोकेट मिस्टर शैलेंद्र शर्मा जी। आप सभी जानते हैं कि किसी को भी न्याय दिलाना आज की दुनिया में बहुत अच्छा और कह सकते हैं कि मुश्किल काम है और सर एक वकील हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आज हम सर से जानेंगे उनके इस फील्ड के बारे में, साथ ही कोविड के बाद इस सेक्टर पर क्या असर आया है उस बारे में भी, और यूथ के लिए भी हम सर से ज़रूर मैसेज लेंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक अच्छा और सफल वकील बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ बहुत सारी किताबों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने एडवोकेट बनने की क्यों सोची? फैमिली का सोचना था कि आपको एडवोकेट बनना चाहिए या खुद चाहते थे कि मुझे एडवोकेट बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली में मेरे बड़े भैया जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं जी। उनसे छोटे ब्रदर जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो मेरे जीजाजी या जो भी हैं सब पुलिस और न्याय विभाग में ही होने के कारण मुझे उस विभाग उस फील्ड की तरफ आकर्षण जरूर था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सब काम करते हुए भी एक पारिवारिक जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करते करते ये निर्णय लिया कि मैं वो काम करूँगा जिसमें एक जगह रहकर मैं अपना पूरा जीवन गुजार सकूँ। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे वकालत करना है। उसके पहले मैंने बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद हिस्ट्री से एमए किया, हिस्ट्री से एमए करने के बाद मैंने लॉ किया, लॉ करने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और इसी दौरान मैंने बीएड भी किया। इस सब एजुकेशन करने के बाद मैंने 91 में अपना लॉ कंप्लीट किया और 93 से प्रैक्टिस करना शुरू किया। आज 28 साल मुझे अपने इस प्रोफेशन में हो गए। कोविड ने सभी सेक्टर्स को बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, तो आपके सेक्टर पर इसका असर कैसा रहा और इस मुश्किल वक्त को किस तरह से आपने सारी चीज़ों को हैंडल किया? देखिए, कोविड ने लोगों को कार्य करने से दूर कर दिया जी। जिसके कारण कोर्ट बंद हो गई, पक्षकार या जो क्लाइंट्स थे उनको उनके काम होना बंद हो गए, रिलीफ मिलना बंद हो गई। ऐसी महिलाएं जिन्हें हर महीने भरण पोषण की जरूरत पड़ती थी उनको भरण पोषण मिलना बंद हो गया, और इन्हीं सब कारणों से एडवोकेट्स को जो इनकम होती थी फीस के रूप में या मेहनताने के रूप में वो भी बिल्कुल बंद हो गई। जिन एडवोकेट्स के पास सोर्स ऑफ इनकम दूसरी जगह से थोड़ा बहुत थी वो तो सर्वाइव ठीक से करते रहे, लेकिन जिनके पास इनकम नहीं थी उनके साथ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें, और आज भी वो कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कोर्ट पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। अभी भी केवल आवश्यक और ज़रूरी केस ही कोर्टों में सुनवाई किए जा रहे हैं, अन्य सभी केस टोटली बंद हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट अभी भी ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है जैसे वो करती है, तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है न्यायालय, तो जब सब कुछ बंद था तब न्यायालय ने अपना वर्क कैसे किया? देखिए, सब कुछ बंद होने के बाद न्यायालय ने अपना वर्क इंटरनली जो भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि होता यह है कि किसी को भी एक को भी कोविड होता था तो उनका कोर्ट का पूरा स्टाफ क्वारंटीन कर दिया जाता था 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए, इसके कारण वो कोर्ट का पूरा वर्क बंद था। अभी पिछले कई महीनों से केवल एक कॉमन लिस्ट निकलती थी डेट्स के लिए कि आज जो केस फिक्स हैं उनके लिए नेक्स्ट डेट ये है। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे केस कब कहाँ फिक्स हुए उसमें दिक्कत हो रही है, और अभी भी इस कोर्ट को रेगुलर ट्रैक पे आने में कुछ महीने और लग सकते हैं यदि कोविड की महामारी कंट्रोल में रही तो, और यदि नियंत्रण के बाहर रही तो हो सकता है कि अगले 6 महीने भी इसी तरह से निकल जाए और कोई काम ना हो जी। गवर्नमेंट ने कोविड को लेकर कई सारी गाइडलाइन जारी की हैं और कोविड के बाद उन गाइडलाइंस में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, तो वो गाइडलाइंस लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हैं और खुद प्रशासन उन गाइडलाइंस को कैसे अपना रहा है, और आपको क्या लगता है कि ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो किस हद तक सही है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो हैं वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो जो निर्देश दिए जाते हैं उनको ध्यान रखकर उनको जारी किया गया है। उसी के कारण आज अपना देश हिंदुस्तान जो है बहुत ही सेफ माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंचा है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है
वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग रफ़ एंड टफ़ वर्क करते हैं और करवाते हैं, और जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो अमेरिका वगैरह है वहाँ पर पानी भी लोग बिस्लरी के अलावा दूसरा नहीं पीते हैं, जिसके कारण भारत की जो कोविड के संबंध में गाइडलाइन है वो सफल रही हैं और आज भी उनका लोग मन से पालन कर रहे हैं। कुछ लोग ज़रूर हैं जो उसके खिलाफ़ जाते हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन सख्ती से काम भी ले रहा है, जो बहुत अच्छा है। जब सब कुछ बंद था उस समय आपने किस तरह से अपने क्लाइंट्स की सहायता की? सब कुछ बंद होने के दौरान क्लाइंट्स की सहायता करना बहुत मुश्किल काम रहा। केवल फ़ोन पर ही हम लोगों को गाइड करते रहे, किसी के साथ कोई दिक्कत ही, किसी को रिपोर्ट करना है तो फ़ोन पर ही उसकी रिपोर्ट ड्राफ्ट करवाते रहे, किसी को कुछ भेजना है ड्राफ्ट करके तो व्हाट्सएप पर टाइप करके या मैसेज कहीं भी ड्राफ्ट करके उसको भेजते रहे। घर से नहीं निकलने के कारण पक्षकार बहुत परेशान होते रहे और उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाया। ऐसी महिलाएं और बच्चे जिनको हर महीने भरण पोषण मिलता था, उन कई महीनों से भरण पोषण नहीं मिला तो उनको भूखे मरने की नौबत तक आ गई और उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, हम लोग वैक्सीन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, तो आगे ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी? अभी भी ये वैक्सीन के करीब पहुंचने के बाद भी जी, ये कहा जा रहा है कि इसके जो इफेक्ट हैं इनके साथ ही हमको कई महीने या कुछ साल निकालना पड़ेंगे। जिस तरह से दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे हैजा है, कालरा है, बर्ड फ्लू है, डेंगू है, वो बरसों पहले आई थीं लेकिन आज भी उनके अस्तित्व हमें यदा कदा देखने को मिलते हैं। इसलिए लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि कोविड के साथ उनको अब रहना है और बहुत सावधानी से रहना है, अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करके रहना है। मुझे भी इस दौरान सितंबर में कोविड का इन्फेक्शन हुआ, मुझे, मेरी पत्नी को, हम दोनों ने उससे मुकाबला किया और आज हम कोरोना वॉरियर बनके लोगों को गाइड कर रहे हैं और अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। कोविड के सारे मामले से हटकर अगर हम आपके पेशे की बात करें तो एक सफल वकील बनने के लिए किसी भी पर्सन को किन स्टेप्स को पार करना होता है, क्या क्या करना होता है, कितनी मेहनत लगती है तब आप एक सफल वकील बन सकते हैं? देखिए, सफल वकील बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है विश्वसनीयता। आज ये लोगों का मानना है कि वकील आपस में मिलकर पक्षकारों को परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, वो ठीक है, लेकिन यदि आपके ऊपर किसी पक्षकार का विश्वास है तो वो जीवन भर आपसे काम करवाएगा, भले ही आपका काम हो या ना हो। उसे इस बात का भरोसा दिलवाना बहुत ज़रूरी है कि आप ही उसके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं और आप ही उसका काम ठीक से कर पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पेशे में। जी, अपने इतने सालों के करियर में आपने कई सारे केसेस हैंडल किए होंगे, कई सारे क्लाइंट्स को न्याय दिलाया होगा, तो ये सब करने के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया और किस तरह के केसेस आपने अब तक सबसे ज़्यादा लड़े हैं? और हम बुक्स की बात करें तो बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, तो एक इंटरेस्ट भी देखा जाए तो वो किस में रहा आपका? देखिए, जब एजुकेशन लाइन में थे या उस समय जब स्कूल लाइन में थे तो हमेशा दिमाग में ये आता था कि पढ़ाई कब छूटे। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद पढ़ाई ने ऐसा पकड़ा कि अब जब तक काम कर रहे हैं तब तक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट रहना होता है। रोज़ लॉ में नए नए अमेंडमेंट होते हैं, नई नई बुक्स आती हैं, नए नए रूलिंग्स आती हैं, उन सब के साथ आपको कोर्ट में अपडेट रहना पड़ता है, तभी आप। और रही बात आगे बढ़ने के लिए, तो लोगों को आजकल तो बुक्स के अलावा सीडी में, डीवीडी में या पेन ड्राइव में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिनकी सहायता से वो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही अच्छी लॉ की फाइंडिंग्स, रूलिंग्स ढूंढकर लोगों को न्याय दिला सकते हैं। एक वकील होने के नाते आप समाज के हर पहलू को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज भी समाज में किन बदलावों की जरूरत है? सबसे बड़ा बहुत बदलाव तो ये चाहिए कि कोर्ट कचहरी के जो भी काम हैं या इस फील्ड के जो भी काम हैं उनको व्यवसायी लोग या अन्य दूसरे लोग फालतू काम की श्रेणी में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसका करोड़ों का टर्नओवर है और उसका 10% 20% यदि डूब रहा है तो वो छोड़ देता है, कोर्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि लंबी जो प्रक्रिया है उससे लोग आज भी बचना चाहते हैं।
तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट की काम, कोर्ट के काम या जो भी लीगल प्रावधानों का पालन करना, ये भी आपके व्यवसाय का ही एक अंग है। यदि आप इसे व्यवसाय का एक अंग मान कर चलेंगे तो आपका व्यवसाय सकारात्मक रूप से अच्छा चलेगा और लोग भी आपसे अच्छा ट्रांजेक्शन रखेंगे और लोगों में संदेश नहीं जाएगा कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, इनके प्रति हम कोई भी काम करें इनका पैसा लौटाएं ना लौटाएं, इनका मकान खाली करें या ना करें, ये तो कुछ करेंगे नहीं। इसलिए लोगों को जागरूक होकर कानून की शरण में हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए और अपना हक अधिकार कोर्ट से मांगना चाहिए। आज भी न्यायालय में सब लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। इस फील्ड में कई ऐसे बिगिनर्स हैं जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था अपनी प्रैक्टिस, हाल ही में उन्होंने स्टार्ट की होगी अपना एजुकेशन के बाद, तो कोविड की वजह से वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाए और कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हुए हैं, तो आप इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मोटिवेट हों और अपना आगे वर्क बढ़ाएं? मैं उन बिगनर्स को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रोफेशन चुना है वो नोवल प्रोफेशन है, थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे उनके लिए पूरा स्वर्णिम अवसर आएंगे। और आज की डेट में या आज के परिप्रेक्ष्य में जो विधि व्यवसाय है या विधि की जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है और उनका जो भी कैरियर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वो धैर्य रख के इंतज़ार करें अच्छे समय का और इस महामारी से जल्दी से फ्री होकर हर फील्ड में आपको विधिक काम करने वाले ढेर सारे यंगस्टर्स देखने को मिलेंगे। आपने न्यू स्टार्टअप जिन्होंने किया उन्हें तो सजेस्ट दे दिया, लेकिन यूथ जो वकील बनना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि उनके लिए इस क्षेत्र में कितनी अपॉर्चुनिटी है और एक बेहतर वकील बनने के लिए उन्हें बुक्स के नॉलेज के साथ, खुद को अपडेट रखने के साथ और क्या चीज़ होना चाहिए जो एक सफल वकील के अंदर होती है? देखिए, सफल वकील के अंदर सबसे बड़ी मैंने बात बोली विश्वसनीयता, उसके साथ आपका अच्छा व्यवहार। कोई भी पक्षकार परेशान होकर वकील के पास या न्यायालय की शरण में आता है, उसे यदि अच्छा व्यवहार या विश्वसनीयता नहीं मिलेगी तो उसे न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए यंगस्टर्स को ये चाहिए कि अच्छा व्यवहार करें लोगों से, उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि उनके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, तभी वो अच्छे वकील बन पाएंगे। आज की डेट में विधि व्यवसाय MBBS से, इंजीनियरिंग से या दूसरे कॉरपोरेट क्षेत्र से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। आज विधि विश्वविद्यालयों की बहुत डिमांड है और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ही उनके एडमिशन्स होते हैं। जिस तरह से बड़े बड़े कॉलेज में MBA वगैरह के लिए एंट्रेंस होती है, उसी तरह से विधि क्षेत्र में आजकल एंट्रेंस हो रही है। इसलिए इस फील्ड में आना अब बहुत आसान नहीं रहा, इसमें भी बहुत प्रतियोगिता या कंपटीशन आ गया है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप कई स्टूडेंट जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें फ्री गाइडेंस देते हैं, उन्हें क्लासेस देते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें अपनी तैयारी उनकी तैयारी करवाते हैं उसके बारे में बताइए, और स्टूडेंट्स आपसे कैसे एसोसिएट हो सकते हैं आकर, उसकी भी जानकारी दीजिए। जो स्टूडेंट्स लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनका हमेशा सदैव सहर्ष स्वागत करता हूँ। वो मुझसे आकर मिलें, मुझसे पूछें। मैंने 1992 से 2005 तक सूर्या कोचिंग एकेडमी के नाम से एक क्लास संचालित की है, जिसमें सैकड़ों सिलेक्शन न्याय के क्षेत्र में और अन्य फील्डों में हुए हैं, जो आज अच्छे अच्छे पदों पर लोग नौकरी कर रहे हैं। यदि किसी को भी लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना है, वो मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन दूंगा और उनकी जितनी मदद होगी लिटरेचर में, तैयारी में या इंटरव्यू के लिए, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा, उनका मैं स्वागत करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि इस फील्ड में आने वाले बच्चे कभी भी निराश नहीं होंगे और उनको अच्छा करियर मिलेगा और सोसाइटी में, समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा।
तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस एडवोकेट मिस्टर शैलेंद्र शर्मा जी। उन्होंने हमें इस फील्ड के बारे में कई सारी जानकारी दी, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टूडेंट और जो यूथ इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं या एक सफल वकील बनना चाहते हैं, तो सर उन्हें गाइडेंस देते हैं, आप सर के पास आ सकते हैं और एक बेहतर मार्गदर्शन सर से यहाँ पर आकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इस फील्ड में आना है तो आप सर से ज़रूर मिलिए और उनका मार्गदर्शन लीजिए। सारी जानकारी के लिए थैंक यू। Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.